वो मैं आज आपको डिटेल बताने वाला हूँ, आपने वीडियो पूरे वाच करने और फुल वाच करेंगे तो पता चलेगा। अगर आप कुछ ले आएंगे तो मैं फिर बनाऊंगी, नहीं तो फिर कावा बना लो। आपको भी इल्म हो जाएगा और बहन भाइयों को भी। बहुत ही खुफिया रहा है, जैसे दिन हमारा झगड़ा हो गया ना उसी दिन, मेरे जब थोड़ा होश आया तो देखा इन्हें कि जा रहे थे चेकअप करवाने। आखिर असर का वक्त हो गया, वो लौट आए शाम को जब घर आए तो फिर मुझे ख्याल आया कि हम शाम होने वाली है, खाना पकाना तो कुछ किया नहीं। उनकी सोच जो है ना अच्छी होती है, वो जो भी सोचते हैं जो भी करते हैं अपने औलाद के लिए भले के लिए सोचते हैं। और वैसे भी माँ बाप की मर्ज़ी है, माँ बाप के हुक्म के आगे हमारा सर, तो हमें भी खुशखबरी देते हैं। मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाई भी हमें नहीं तकसीम की, तो मैं दिल में सोचता रहा कि ये क्या माजरा है, हमें तो उन्होंने खुद ने इन्वाइट किया। और असल बात के माँ के कदमों तले जन्नत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माफ करने वाले से। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, माशाल्लाह घर में भी सब ठीक है, कौशल भी ठीक है, बस थोड़ी परेशान है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना भी जरूर करें, वीडियो पूरी वॉच करें। जो बहन भाई पसंद करते हैं इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। और जो भी बात होती है हम सच बताते हैं, हकीकत जो है आज मैं पूरे मुकम्मल वीडियो में ना हकीकत बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने सुबह सोच लिया था कि वीडियो नहीं बनाने है, हमारी लास्ट वीडियो सुबह हो गई थी, तो अभी शाम का वक्त हुआ है, कुछ और मज़ीद बातें जो है सुनने में आई है वो भी मैंने सोचा बहन भाइयों से शेयर कर लें, क्योंकि हर एक बात आपसे शेयर करनी है और आपने खुद इंसाफ करना है कि हम कसूरवार हैं या वो कसूरवार है। क्योंकि मैं माँ बाप को गलत नहीं कहना चाहता, माँ बाप की सोच बेहतरीन होती है, क्योंकि वो औलाद के भले के लिए सोचते हैं, ये आप लोगों की बात भी ठीक है। और मेरा कहना भी यही है कि माँ बाप की सोच बेहतरीन होती है। तो आगे जो खुफिया बातें हैं, खुफिया राज हैं, जो खिलाफ बातें हो रही हैं, वो मैं आज आपको डिटेल बताने वाला हूँ, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और फुल वॉच करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे क्या बातें होती हैं और कैसे हम मतलब कि गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा ना, क्योंकि ख़ासकर बहन भाई पूरी वॉच करते नहीं और ऐसे ही थोड़े से अल्फाज सुन लिए और कमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी बात भी ठीक है, जो कमेंट करते हैं मैं उन पर शिकवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी सही कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं कमेंट वाले जो भी कहते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वीडियो देखते तो हैं, कमेंट तो करते हैं। बाकी जो है आज मैं एक और मज़ीद डिटेल देने वाला हूँ, जो कि आपने वीडियो पूरी वॉच करनी और सुनना है कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं और असली हकीकत क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो कौशल जो है यहाँ बैठी है और सुबह से परेशान है, पूछते हैं हाल अहवाल, क्योंकि आज जो है बहुत बड़ी डिटेल देने वाला हूँ, सच्ची हकीकत आपने ज़रूर सुननी है और पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो कौशल सुबह से खाया नहीं है कुछ, भूख नहीं लगी आपको? नहीं भूख नहीं। क्यों? पहले जब माँ बाप के साथ थे फिर तो चार टाइम खाते थे ना, तो आप क्यों नहीं भूख लगती? वजह माँ बाप होते हैं। तो एक मिनट में सलाम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी सब ठीक हैं और इरफान भी ठीक है, तो मैं भी माशाल्लाह ठीक हूँ। तो हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है फॉलो वॉच करनी है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो जो बीमार है अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो बेउलाद है अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो मजदूर है चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बहन भी हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो फॉलो वॉच करते हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे और उनके घर में मालिक में बरकतें अता फरमाए, और उसके बच्चों को, घर वालों को, सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन। तो आज बहुत बड़ी परेशानी है, आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, घर पर भी कुछ नहीं था तो सिर्फ आटा पड़ा है। अगर आप कुछ ले आएंगे तो मैं फिर बनाऊंगी, नहीं तो फिर कावा बना लूँगी, कावे के साथ आप खा लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, ठंड लग रही थी तो मैंने यहीं धूप पर बैठी हुई है, देखिए सूरज की तरह। हाँ धूप तो अभी निकली है, ये देखिए पहले जो है ना वो बादल थे सारे, हाँ जी बादल, और धूप अभी निकल रही है, आप फ्रेश हो लिया आपने?
हाँ जी, सर में बहुत दर्द था तो मैंने सोचा फ्रेश हो लूँ, शायद मठा हो जाएगा। तो टैबलेट भी घर पर नहीं थी, तो अभी भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। मैं फ्रेश भी हुई हूँ तब भी ऐसा है। तो आप ना नहाते ना यार, एक आपके सर में दर्द हो सकता है, बुखार भी आ सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन आप नहाया क्यों है? नहीं, बुखार तो है। बुखार है जी? नहीं, टेंशन की वजह से, कोई बात नहीं। टेंशन यार, आपको पहले बोला है कि टेंशन नहीं लेने, मैं आपके साथ हूँ। जी आप तो मेरे साथ हैं, लेकिन माँ बाप भी साथ नहीं है। अगर माँ बाप साथ होते, इस्तियाना साथ होती, समैया साथ होती, तो कितनी खुशी की खबर है। और अगर अल्लाह पाक मुझे औलाद दे देता, ये भी खुशी की खबर होती। तो इसलिए मैं सोच के टेंशन हो रही थी। और पता नहीं, मैं अंदर कमरे में सोई हुई थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। जब बाद में उठी तो मैं थोड़ा सा सिर में दर्द था, तो उसके बाद मैं फ्रेश होने चली गई। अभी अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ और यहाँ पर बैठी, और ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। आप डिप्रेशन में जा रही हैं, आपको बोला है पहले कि सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। आप फिर से वही बातें लेकर बैठ जाती हैं फिर से। कितनी बार आपको बोला है कि जो भी बातें हैं ना, ये अपने जहन से निकाल दें, अल्लाह पाक पे भरोसा रखें, और जो आज डिटेल में बताने वाला हूँ वो गौर से सुननी है। आपको भी इल्म हो जाएगा और बहन भाइयों को भी। बहुत ही खुफिया राज है, और ये सबसे पहले ना झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाया और ये साफ भी नहीं किया आपने। नहीं, घर पर था कुछ नहीं, तो मैंने कहा कि झाड़ू क्या लगा के क्या करूँगी। चलो आपकी मर्जी, बाकी डिटेल जो है मेरे पास वो मैं शेयर कर दूँ बहन भाइयों से जी। तो बात असल ये है कि जब उस दिन भाभी और फरमान भाई अम्मी जा रहे थे ना वो टेस्ट करवाने, चेकअप करवाने जी डॉक्टर के पास, आपको तो याद है जी। जैसे दिन हमारा झगड़ा हो गया ना, उसी दिन तो वो ना सुबह हमारी ऐसे बात चल रही थी, जैसा कि मैंने पहले भी लोगों में बताया है, वो बात चली, फिर हम ना खामोश होके बैठ गए, एक ही चारपाई पे बैठ गए आप और मैं। मुकम्मल सीरियस हाल बता रहा हूँ। और हम एक चारपाई पे सोए रहे, हमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे ही बस वो गुस्से में सोए रहे, बस कुछ और याद नहीं था कि खाना है पीना है, कुछ नहीं। अम्मी ने इतना डांटा था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, डिप्रेशन में चले गए थे दोनों। तो फिर जब थोड़ा होश आया तो देखा इन्हें कि जा रहे थे चेकअप करवाने भाभी और फरमान भाई अम्मी। तो मैंने पूछा भी है कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं हम चेकअप करवाने जा रहे हैं सोबिया का, दुआ करें कि खुशखबरी हो जी। तभी मैंने दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की हैं कि या अल्लाह ये जा रहे हैं टेस्ट करवाने, इन्हें खुशखबरी देना ताकि ये वापस आएँ और हमें भी खुशखबरी सुनाएं, और अल्लाह पाक उन्हें बेबी से भी नवाजे और खैर खुशी से दें, खैर खुशी से वापस आएँ और खुशखबरी भी लेके आएँ। मेरा तो इरादा था कि मिठाई भी साथ लेके आएँ, तो इतना मैं खुश था। और वो चले गए, आपको उसी वक्त कुछ नहीं बताया था, मैंने अभी बता रहा हूँ। तो वो चले गए, मैं दिल में दुआएं करता रहा। आखिर असर का वक्त हो गया, वो लौट आए शाम को जब घर आए, तो मैंने पूछा भाभी से कि डॉक्टर ने क्या बताया। तो भाभी ने बोला कि डॉक्टर ने खुशखबरी दी है, माशाल्लाह से हमारा बेबी जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मैंने अपना ख्याल रखना है, उल्टे पुल्टे चीज़ें नहीं खानी, दवाई जो है दी है डॉक्टर ने, वो सारी डिटेल जो है ना मैंने पूछ लिया है भाभी से। उसके बाद जो है शाम का वक्त होने लगा, और उधर से मुझे डांट पड़ी थी सुबह बहुत ज़्यादा, और अलहदा होने की बातें भी हो गई थी। जब इतनी बार अम्मी ने बोल लिया था, चार पांच बार के जाए अपने करके खाएं, आप बहाने ढूंढ रहे थे, तभी मैंने सोच लिया कि जब वो रखना ही नहीं चाहते अपने साथ तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैंने वो भाभी से डिटेल पूछी तो फिर मुझे ख्याल आया कि हम शाम होने वाले हैं, खाना पकाना तो कुछ किया नहीं, तभी मैं उठा और सीधा चल दिया दुकान पे, चौक पे।
वहाँ से मेरे पास कुछ पैसे थे, 500-600 रुपये मेरे जेब में था, तो मैं राशन ले आया उस वक्त, और जैसे कि आपने बनाया था, चाय वगैरह बनाई थी और खा पी के हम सो गए। रोटी नहीं बनाई थी उस दिन क्योंकि आटे के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो उस दिन ऐसे ही सो गए, गुजारा किया। सुबह उठे तो फिर और जो है ना बातें निकलने लगी। तो आपसे शेयर मैंने सुबह भी किया बहन भाइयों से, और अभी भी वो बातें दोबारा नहीं करना चाहता। खैर, ऐसे माँ बाप को बुरा नहीं कहा जाता, और मैं ये मानता हूँ कि माँ बाप बुरे नहीं होते, उनकी सोच जो है ना अच्छी होती है। वो जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, अपने औलाद के लिए भले के लिए सोचते हैं, है ना जी। तो मैं माँ बाप को कसूरवार नहीं ठहरा सकता क्योंकि बचपन से उन्होंने पाला है। जब हम छोटे से पैदा हुए तो वो करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और जब हमें अपने बाल पर खड़े हो गए तो हमें अपना कुछ ख्याल आया, हम बाहर कमाने चले गए और कमाते रहे, खाते रहे, खुद ही खाते रहे, माँ बाप को भी देते रहे, अयाशी करते रहे, फुल इंजॉय करते रहे। जो भी तनख्वाह आती थी आधे से ज़्यादा हम खा जाते थे, उसके बाद थोड़े से बच्चे थे जो माँ बाप को देते थे, और ऐसे गुजारा होता रहा, चलता रहा, क्योंकि उन्होंने हमारी एक छोटी बड़ी ख्वाहिश, हर ख्वाहिश को पूरा किया है माँ बाप ने। अब उनको मैं ऐसे गलत क्यों कहूँ, और वैसे भी माँ बाप की मर्ज़ी है, माँ बाप के हुक्म के आगे हमारा सर झुक जाता है, हमारी नज़रें वैसे भी नीची होती है, क्योंकि माँ बाप का दर्जा जो है ना बहुत ज़्यादा है, 70 माँ से ज़्यादा अल्लाह पाक प्यार करता है, और एक माँ अपने औलाद से इतना प्यार करती है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो चलो खैर, वो तो होता गया, सिलसिला चलता रहा। अब जब बातें हो रही थी कि अलहदा करके खाएं, तभी मैं अलहदा राशन वगैरह ये भी ये सब कुछ तो हो गया। अब ओरिजिनल डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊं कि जब खुशखबरी सुनने ली थी, मैंने भी पूछी है, मुझे भी सुना दी, तो उनका ये हक नहीं बनता था कि अपने खुशी में हमें शरीक ना करें। यार अलहदा हो गए थे ना, कोई दुश्मनी तो नहीं थी, वो हमें बुला सकते थे, हमें बोलते कि आप चाची बनने वाली हैं, मैं चाचू बनने वाला हूँ, तो हमें भी खुशखबरी देते, मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाई भी हमें नहीं तकसीम की, पता नहीं भी लोग में किस किस को दी है, नहीं दी है, हमें तो मिठाई मिले भी नहीं है, और इतना हमारे साथ फर्क रखा उन्होंने। क्या है, हमें भी खुशी थी ना, जैसा कि उनकी औलाद है वो हमारी अपने औलाद है, उनका बेटा हो हमारा बेटा है, मतलब कि एक ही खून का रिश्ता है ना फरमान भाई का और मेरा, तो उनका बच्चा हमारा भी तो बेबी हो है ना, हमारे घर में खुशियाँ लाता, लेकिन उन्होंने हमें शरीक नहीं किया, बस वो अपने खुशियाँ मनाते चले गए, मिठाइयाँ बाँटी जो किया। फिर भाभी ये अल्फाज बता रही थी कि ये ना मेरी खुशी में शरीक नहीं हुए, हमारे ऊपर बातें करने लगी, तो बोलती हैं उनको आना चाहिए था, पूछना चाहिए था, मेरा बेबी हुआ है, ये मेरी खुशी से खुश नहीं थे, इसलिए अलहदा हो गए। तो ऐसे बातें करती चली गई, तो मैं दिल में सोचता रहा कि ये क्या माजरा है, हमें तो उन्होंने खुद ने इनवाइट किया, हालांकि हमें बोल सकते थे कि हम भी उनकी खुशी में शरीक हों, हम भी उनके बच्चे के आने का इंतज़ार करते, खुश होते, चाची चाचू दो ठहरे, तो हमें तो इतना अफसोस हुआ जब उन्होंने अपनी खुशी में शरीक ही नहीं किया, और ऊपर से बातें की कि ये पूछने भी नहीं है। उस वक्त आपने देखा था जब वो व्लॉग में बता रही थी, ये पूछने भी नहीं है, ये इतना जेलस हो गए हैं, नफरत करने लगे हैं, इनको बेबी की खुशी नहीं है, ये नहीं चाहते कि हमारे मजदूर बहनें जो हैं वो ज़्यादा खा जाती हैं, ये इन्होंने सोचा कि न्यू बेबी आने वाला है वो भी ज़्यादा खाएगा, इनको खर्चा उठाना पड़ेगा, ये सारी बातें ना भाभी बताते चले गई, करते चले गई, और हमने तो कोई बात भी नहीं की उनसे, हमने छड़ा ये भी नहीं बोला कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है हमारे खिलाफ, कुछ भी नहीं, बस खामोश खामोश हम बैठे रहे, सुनते रहे। भाई जो भी बोलते रहे, अल्लाह पाक तो बेहतर इंसाफ करने वाला है ना। अब मैं माँ बाप को कसूरवार नहीं ठहरा सकता क्योंकि मैं औलाद हूँ और वो माँ बाप है। हाँ, एक बंदा है कि जब मैं ताकत आजमाऊँ, पूरी ताकत आजमाऊँ, कोशिश करूँ, लाख बार कोशिश करूँ, लेकिन माँ बाप का दर्जा वैसे भी बहुत ज़्यादा है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं, अगर पढ़ते तो आपको कुछ समझ आ जाती, क्योंकि मुझे कुछ समझ है,
जी मुझे हिसाब समझ आया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी हो माँ बाप की खिदमत करो जी, माँ बाप के पैर धो के पियो, माँ बाप के ऊपर इतनी बातें भी ना करो और माँ बाप जैसा कहे वैसा मानना चाहिए जी। माँ बाप का हुक्म मानो, फरमा बरदारी करो और असल बात के माँ के कदमों तले जन्नत। हाँ जी, और मैं उन पर कोई भी दोष नहीं देना चाहता, कोई कसूर नहीं देना चाहता, माँ बाप की सोच सही होती है। और बाकी जो है ना जो चल रहा है निज़ाम चलने दें, अभी वो कह रहे थे कि अगर माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर देंगे, उनका कसूर है, हमारे नाम कह रहे थे उनका कसूर है, अगर ये माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर देंगे और फिर से हमारे साथ आकर मिलकर बैठ जाएं और खाएं पिए, हमारे साथ ही रहें, एक साथ ही रहें। तो मैं सोच रहा हूँ कि माफ़ी तो मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तो बड़ा नहीं हूँ जी। मैंने बड़े जो हैं माँ बाप हैं और आपका भाई है, आप ऐसा करें और मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप भी, हम दोनों जाके माफ़ी मांगेंगे जी। माफ़ी भी मांग रहे हैं। और एक बात और भी बताते चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ़ करने वाले से माफ़ी मांगने वाले का दर्जा ऊपर है। हम मतलब सोचते हैं कि हम जाके माफ़ी मांगे हमारी इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप गलती करते हैं और दूसरा बंदा आपको माफ़ी का बोलता है तो उसका दर्जा आपसे कम होगा। जो बंदा माफ़ी मांगता है मतलब कि नीवा, एक किस्म का कहते हैं पंजाबी में, नीवा हो जाता है सर जो कह कर माफ़ी मांग लेता है, उसका दर्जा इतने बढ़ जाता है कि हम अब ये नहीं समझेंगे कि हम माफ़ी मांग लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे जी। नहीं, छोटे नहीं होते, माफ़ी मांगना चाहिए बड़ों से और माँ बाप से तो लाजमी मांगनी चाहिए क्योंकि औलाद का ही कसूर होता है, माँ बाप का नहीं होता। हाँ जी, अकेला दिल भी नहीं लगता। आपका दिल नहीं लगता? नहीं। आपको पता है जब से अलहदा हुए हैं मैंने कुछ खाया पिया है? नहीं, सिर्फ चाय बना के ही पी रहे हैं। वो कल जो आटा ले आया था उधारा वो भी रखा है हमने, एक रोटी भी नहीं बनाई, नहीं खाई ना रोटी दो दिन से, वो आटा वैसे ही पड़ा है। और एक दो रोटियां सुबह बनाई हैं वो भी रखी हुई हैं, अभी खाए भी नहीं है। चलो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, बाकी हमें जो है ना इतना उड़ना नहीं चाहिए हवाओं में क्योंकि जो बड़े समझाते हैं वही सच है। और बहन भाइयों की बात करें तो बहन भाई पता है क्या बोलते हैं, छोटों की ही गलती होती है और आपको बोलते हैं कि आप चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, और मुझे भी बोलते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, सही कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप होशियार हैं, और जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि माँ बाप को गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। अगर अम्मी ने बोल भी दिया है कि जाएं अपने करके खाएं तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, मैंने भी ये गलती की है, अब मैं मान रहा हूँ। तो अलहदा होने की बात उन्होंने खुद की थी और ये मेरा कसूर है कि मुझे ना फौरन गुस्सा आ जाता है, और मैं गुस्से में ही था तो मैंने सोचा ठीक है हम अपने करके खा सकते हैं, अल्लाह पाक रोजे देने वाला है, यही बात मैंने की है और तो मैंने कुछ नहीं बोला। और ये मेरी गलती है कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ फ़िलहाल वक्ती तौर, लेकिन बाद में मुझे समझ आती है, अक्ल आ जाती है कि माँ बाप ठीक होते हैं अपनी जगह, यह हमारा ही कसूर है और हमें ही माफ़ी मांगनी चाहिए जी। मैं आपको दोबारा भी बोल रही हूँ, आप जाके माफ़ी मांग लें। चलें, आप कहते हैं तो इंशाल्लाह माफ़ी मांगेंगे। फिलहाल जो मैंने क्या कहते हैं डिटेल देनी थी वो बता दिया, और आगे अल्लाह जाने वो उन्होंने क्या सोच रखा है, उनके दिल में क्या है, पता नहीं लोग में क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और भाभी का इरादा क्या है, फरमान भाई क्या बोलते हैं। आगे जो है ना ये मजीद भी हो सकता है कोई जेलस होता है हमसे, क्या पता भाभी हमसे जेलस हो, वो हमें साथ रहना ना पसंद करती हूँ। फरमान भाई तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, वो सच्चाई की राह पे चलते हैं, क्योंकि अगर मेरी गलती आती है तो वो मुझे ही डांटते हैं। और अगर जिस भी बंदे का कसूर होता है जैसे कि छोटे भाई हो गए और वो हो गई, सकिया हो गई, उनकी बीवी हो गई, तो वो ना
सबको डरते हैं, जो बात सच है वो उनको पसंद है, फरमान भाई को झूठ पे झूठ के खिलाफ है। और वो मेरी गलती थी, मैंने गुस्सा किया और फरमान भाई इसी वजह से मेरे लिए मुझ पर नाराज है। अगर मैं फरमान भाई से भी माफ़ी मांग लूँ कि मैंने गलती की है तो वो भी मुझे अंदाज़ा है कि माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो बहुत नरम दिल के इंसान है, वो इतनी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। आपको पता है वो ऐसे मुझे कानों में आवाज़ आई है थोड़ी सी कि रात को ना वो रो रहे थे, मैं तो अपने रूम में था, उधर जो है ना फरमान भाई रो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? कि मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। और घर में फसाद इसी वजह से आता है, आज ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, इसी वजह से फसाद आता है। ये घर में औरतें होती है ना, इनकी जो है ना बड़बड़ ख़त्म नहीं होती, हकीकत बात है। अगर एक बात आप कर लें तो चार बातें भाभी करेंगी, भाभी चार बातें करेंगी तो आप आठ बातें करेंगे, यही प्रॉब्लम होती है। ये लड़कियों का काम ही है बड़बड़ बड़बड़ एकदम जो है ना झगड़े करना, सुलह से तो वो रहते ही नहीं है। और जिस घर में दो तीन बहुएँ हो जाए ना तो यही काम होता है। वो बहन भाई भी मशवरा देते हैं कि हर घर में ऐसी बातें होती रहती हैं, और ये फसाद खड़ा तो लड़कियों की वजह से ही होता है, क्योंकि वो आपस में एक किस्म की जेलस होती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जलती हैं या भाभी जलती हैं, नहीं, हर घर में ऐसा होता है। सबकी बात कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं लड़कियाँ जेलस क्यों होती हैं एक दूसरे से, आता है आपको सवाल? पता नहीं। वो मुझे पता है, वो इसलिए जेलस होती हैं कि अगर आप एक चीज़ मंगाती हैं, कोई फ्रूट मिसाल के मंगा के खा रही हैं, तो वो दूसरी देखेगी उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो अपने 2 किलो मंगवा लेगी, और आप 2 किलो को देखकर बहुत गुस्सा होंगी कि उसने मेरे रेस किया, उसने ज़्यादा मंगवा लिया, मैं उससे भी ऊपर हूँ, उसने महंगा फ़िराक लिया, मैं भी महंगा फ़िराक लूँ। वो एक जैदबाजी जो है ना, ये जलसापन बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझें, दूसरों की खुशी में खुश रहें, उनकी खुशी में शरीक हों, उनके गम बांटें, उनके दुख दर्द बांटें, ये होती है असल ज़िंदगी। ये नहीं है कि वो अगर एक चीज़ ले आती है 1000 रुपये की, तो आप क्या सोचेंगे कि मैं उससे ज़्यादा 2000 की ले आऊँ, मैं उसे अपने औकात याद दिलाऊँगी, उसे नीचा दिखाऊँगी, ये सोचती हैं औरतें, बहुत ज़्यादा औरतें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो वैसे भी सही हैं, बेहतरीन हैं माशाल्लाह, अपनी फैमिली में कभी जेलस नहीं हुई, जो भी चीज़ें ले आते हैं माशाल्लाह खुशी खुशी आप कबूल कर लेती हैं, चाहे कोई 2-3 बार और चीज़ें ले आए आप कुछ भी नहीं बोलती, ये तो मैंने आपको देखा है बचपन से। और हम कभी किसी चीज़ से जेलस नहीं हुए, आप फरमान भाई जो भी खाते हैं जो भी ले आते हैं, मैंने कभी उन्हें कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी खुशी में खुश हूँ और आपने भी खुशी में खुश रहना है, ठीक हो गया जी। बाकी जो है ना ज़िंदगी को ऐसे जिए जैसे मुझे तो नहीं आता कैसे होती है, बस ऐसे खुशी में घोल मेल कर ही रहें, इसी में इत्तेफाक में ना बरकत होती है। बहन भाइयों का भी यही मशवरा है, तो इंशाल्लाह हम माफ़ी मांगेंगे और देखते हैं अगर अब वो हमें माफ़ कर देते हैं तो फिर इंशाल्लाह साथ हो जाएंगे, या ये ना हो हम माफ़ी का सोचें और वो आगे से कोई और बातें ढूंढ लें और आपने ऐसा क्यों किया था या आपकी औकात नहीं है अकेले खाने की, आपके पास कुछ नहीं था फिर वापस लौट आए भाग गए, ये बातें ना बना लें। पता नहीं, तो आप इसमें क्या कहते हैं, आपका क्या मशवरा है? जी मेरा तो यही है माफ़ी मांग लें, मुझे यकीन है माफ़ी मांग लेंगे ना तो वो हमें माफ़ कर देंगे। अच्छा माफ़ कर देंगे तो 4 दिन बाद फिर से वही बातें करने लगे फिर? नहीं करेंगे। अगर कोई जलसीपन होता है घर में तो वो ऐसे ही छोटी मोटी बात बोल दे फिर? नहीं। चलो खैर, अब गुस्से को छोड़ें, मैं भी गुस्से को थूक रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एक बीमारी है बचपन से, मैं सीधे बात बता रहा हूँ, बहन भाई भी सुन रहे हैं, क्योंकि अब फरमान भाई हैं वो मुझे बात करें, या कोई दूसरे बंदे हैं जैसे कि हमारी जान पहचान भी नहीं है, वो भी मुझे ऐसे बात करें, गालियाँ निकालें, कोई भी बंदा गालियाँ निकालता रहे मुझे कुछ भी नहीं होता, ये मेरी कमज़ोरी है।
और अगर मैं माँ बाप मुझे समझाने की बात करते हैं, सीधी बात है, तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आता है, बचपन से यह बीमारी क्यों है? ये तो आपको पता होगा, ये लाड प्यार का सिला होता है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है और उसे पालते हैं, उसके लाड मानते हैं कि हमारा बेटा शेर है, वो जो भी बोलता है हम पूरे करते हैं, हमारा एक ही बेटा है, बहुत प्यारा है, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके हर लाड उठाते हैं, उसके ख्वाहिशें पूरे करते हैं। ये लाड जो है ना मुझे मिला था, फरमान भी मुझसे बड़े थे, उनको लाड नहीं मिला, वो डेली मार खाते थे, और अब्बू ने मुझे इतना लाड से पाला है कि अब सीधे बात है मैं सर पे चढ़ गया हूँ, सही है ना? और वही बात है कि माँ बाप की बातों पे मुझे गुस्सा क्यों आता है, बाकी किसी की बात पे नहीं आता, सिर्फ माँ बाप की बातों पे, और वो समझाने की बात करते हैं। हाँ ये भी बात उनकी ठीक है, लेकिन मेरी समझ से भी ये बात ठीक है कि जो बंदा देता है वो दुआ के लिए पैसे देता है, और दुआ तो ज़ाहिर है हमें करनी चाहिए। दूसरी बात अबू की भी ठीक है कि इतनी ज़्यादा दुआएं नहीं करनी चाहिए, नेकी करो दरिया में डालो, नेकी करो छुपा दो, किसी को एक कान से दूसरे कान को भी पता ना चले, वो उनकी बात भी ठीक है। और जो बहन भी ये सोचते हैं कि हम पैसे देंगे और दुआ करवाएंगे इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हम उनको भी तो बुरा भला नहीं कह सकते ना, हमें तो उनके लिए भी दुआ करनी है। अब फर्ज करें कि जो बंदा पैसे देता है वो हमें बोला कि हमारे लिए भी लोग में दुआ करवा दीजिएगा, हम उन्हें इनकार कर दें कि आप पैसे ना दें, अब तो हम ना करें, हम दुआ नहीं कर सकते, अब ये तो नहीं बोल सकते हम। तो फिर जो बंदा बोलता है पैसे देता है, तो अमन करता है, किसी चीज़ की मदद करता है, हेल्प करता है, हमारे घर को देखता है, हमारी मजबूरियों को समझता है, हमारी मजदूर बहनों को देखता है, उसको तरसाता है और वो हेल्प कर देता है, दुआ का सिर्फ कहता है, दुआ में कुछ पल भी नहीं लगते, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, कोई पहाड़ नहीं उठाना पड़ता, कोई वजन भी नहीं उठाना पड़ता, बस अल्लाह पाक किसी की भी दुआ कबूल कर लेता है। और वो बंदा जब बोलता है कि मेरे लिए व्लॉग में दुआ करो, और सारे बहन भी उसे रिक्वेस्ट करें कि वो भी दुआ कर दे हमारे लिए, तो फिर हम दुआ करवाते हैं, वरना ऐसे तो कई इंसान हैं जो कि अमन करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। आप देखें रोड पर कितने फकीर घूम रहे होते हैं, तो बंदा 10 रुपये 20 रुपये दे के चला जाता है, उनको दुआ का तो नहीं बोलता, ये होती है असल नेकी। अब जो भी बंदा देता है दुआ का बोलता है, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो दुआ का ज़रूरतमंद होता है, उसकी कोई ख्वाहिशात होती हैं। जी आप ऐसा करें, आप जाके माफ़ी मांग लें, और मेरा नमाज का वक्त हो गया। चले नमाज पढ़ लें, फिर ना एक साथ जाएंगे, क्योंकि वीडियो में ही माफ़ी मांगनी है जी, ऐसे नहीं मांगनी, वीडियो में ही माफ़ी मांगेंगे, बहन भाइयों को खुश करेंगे और माँ बाप को भी राजी करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ के भी हो गए हैं, तो जब माफ़ी मांगेंगे इंशाल्लाह साथ के पार्टी भी इंजॉय करेंगे। ओके।